पुप्पो, तुम तो बिल्कुल शेख जी की तरह लग रही हो। अरे वाह बाजी, तुम्हें तो कोई एक बार देखेगा ना तो चौंक जाएगा। पुप्पो, तू तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। शेखू, मेरी ना बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं तेरे कपड़े पहनूं और तेरे जैसी दिखूं। ठीक है, अब तो तमन्ना पूरी होगी। अम्मी, तुम्हारे दो दो बेटे, दो दो शेखू। हाँ, मगर एक बात सुन लो बाजी, शेखू के अब्बू देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, उनके सामने मत आना तुम। हवीस की औलाद ने मुझे बिल्कुल जीना हराम कर दिया मेरा, मुझे कहीं जीने काबिल नहीं छोड़ा, आज छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं भी। और मैंने इसकी हड्डी पसली से तोड़ी, मेरा नाम जलालुद्दीन नहीं। मुझे ऐसा लगता है तेरे अब्बू आ गए, नाराज से लग रहे हैं, ऐसा करो तुम छुप जाओ। हाँ छुप जा ना, ऐसा कर मैं खाट ला रहा हूँ, पप्पू खाट नीचे बढ़ा देंगे, मैं चादर ओढ़ लूँ, बच जाएंगे। रुखसाना। हाँ शेख जी। मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे तो बाथरूम सा भी आ रहा। शेख जी, तुम चुप सो जाओ, चुप ले जाओ। आ रहा मुझे, बाद में कर लेना जब अब्बू चले जाएं, हम बताने वाले नहीं है किसी को। ठीक है। चुप, ढक दे मुझे सारा, ढक दे। देखता हूँ मैं आज, अगर तेरी हड्डियों का चूरा न बनाया तो मेरा नाम जलालुद्दीन नहीं। ये चूरा भी अजीब है। कहाँ गया वो? इस हराम खोर ने मेरी नाक कटवा दी पूरे गाँव में, कहाँ है वो? अजी क्या हुआ? वहाँ बच्चों के सर फोड़ के आ रहा है, वहाँ सर झुका जा रहा है मेरा, वहाँ कौन है वो? हमें तो पता नहीं अब्बू कहाँ है। रामजादे ने मुंह तो दिया मेरे ऊपर, भाईजान खड़े हैं, मैं तो शक्ल भी नहीं दिखा सकती अपनी, यही पड़ी रहती हूँ चुपचाप। अच्छा तो हराम खोर यहाँ पड़ा हुआ है, अभी देखता हूँ। ये ले अभी रुक, डंडा ला रहा हूँ। डंडा कहाँ गया? नहीं मिल रहा? मेरा खाता कहाँ गया? तेरे को चलवा के नहीं गया? ओह यहाँ पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, अभी ये ले। बाहर निकल, हराम खोर, औरतों जैसी आवाज निकाल रहा है, बाहर निकल ले, जान से मार दूँगा। यहाँ मेरी बेइज्जती करा के खबीस की औलाद, चल चार आदमियों में चल, तुझे वहीं चार आदमियों के सामने नंगा करूँगा, चल। किसे नंगा करोगे अब्बू? ये तो फुप्पो है। अजी ये तो बाजी है, बाजी। क्या बाजी? फुप्पो तू और ये डाड़ी? अब्बू हाँ, शेख जी लाए हैं, उन्होंने लगाई है इनके। अजी वो क्यों लगाता, खुद लगाई है इन्होंने। अच्छा हराम खोर यहाँ भी मुझे चकमा दे गया, कोई बात नहीं, आज तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं, आ रहा हूँ मैं अभी। अजी ज्यादा मत पीटना उसे। पुप्पो मिल गया प्रसाद, हो गई तसल्ली? बाजी मैंने तो पहले ही मना करी, तुमने गलती करी। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना, ये बिल्कुल शेख चिल्ली जैसी लग रही थी मैं तो। अब पुप्पो बहुत हो गया, चलो ये कपड़े उतार दो चल के। अभी तो मैं एक चक्कर गांव का जरूर लगाऊंगी, देखती हूँ कि मेरे को गांव में भी कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता। चलो खड़ी हो, चलो। मेरे लौंडे पहनाने चाहिए बात, समझ गई? Thank you.
चोरी कर रहा है, दुकान में चोरी कर रहा है, भैंस चुराएगा दुकान में चोरी करेगा, साला दुकान वाला आकर जान संभाल देगा, निकल दे जा, निकल दे जा, साला चोर, साला बच्चों को चोरी सिखाते हैं। ओबे अगर इन्हें मैं पैसे वापसी दूं और अंदर जाके दूं, साले ऐसे ना हो मुझे चोर समझ के पीट दे, बाहर से देता हूँ, बाहर से बाहर रख देता हूँ इनके गले में। बच्चे क्या कर रहा है? मैं तो पैसे रख लिया था। भाभी भाभी, अरे क्या हो गया? भाभी वो सेक चिल्ली का बच्चा पैसे चुरा के भाग गया। अच्छा, इस हरामजादे के घर ही चल रही हूँ, चल। अरे क्या बात होगी? हाँ बात होगी, आ गए यहाँ पे देसी पी के। आज तू किसी काम का होता तो ये दिन ही ना देखने पड़ते, मूत पिए पड़ा रहे, यहाँ दुकान में कौन बैठेगा? बात बता के हुई? वो हरामजादा सेक चिल्ली का बच्चा दुकान में से पैसे चुरा के ले गया। सलीम की दुकान में था पैसे? चल मेरी गर्ल। हाँ चल, तू किसी काम का हो जा जो ये दिन ना देखने पड़े। मेरी गर्ल चल। अरे पता नहीं आज कौन चरी काट के ले गया मेरी, रात तो मैं बिल्कुल सही छोड़ के गया यार, पता नहीं आज मैं देखता हूँ। भाईजान कैसे खड़े हो यहाँ? अरे खड़ा क्या हूँ, रात 11 बजे गया हूँ मैं। अच्छा, सुबह आके देख रहा हूँ तो दो गड्डी चरी काट दी मेरी, दो तीन गड्डी काट रखी है। हमारे यहाँ तो बकरी भैंस है नहीं, ढूंढो भाई, देखो अपने, देखो चोर को ढूंढो। देखूंगा मैं आज, देखूंगा साल को, मैं भी इस इंतजार में खड़ा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, परेशान कर दिया ये लौंडे, अभी दिमाग खराब है। अबे सामने रतन खड़ा, चल रतन से पूछता हूँ। अरे रतन, अरे भैया शिक लिया यहाँ पे। अरे तुम्हें दोनों को कोई काम है ना है? अरे भैया आया तो बता दे यार। हाँ गया इधर को। अच्छा तो ठीक है, कैसे खड़ा है यहाँ पे? अरे तुम जाओ अपने घर, मेरा तो वैसे दिमाग खराब है। अबे कोई बात भी हुई है? अरे चरी काट ली मेरी दो गड्डी। अच्छा चरी काट ली, अबे तो यहाँ बैठना लठ ले के। जाओ पता ना कहाँ है यार, बाप बेटा इस लौंडे का पता ठिकाना नहीं रहता। भाई जी सलाम। सलाम भाई जी, शेख चिल्ली देखा के जाता हुआ। मैं शेख चिल्ली की ठेकेदारी ले रखी है मैंने, जो भी आ रहा शेख चिल्ली आया, शेख चिल्ली आया। भाईजान आप तो नाराज हो रहे हो, हमारे तो वैसी चोरी हो गई। तेरी चोरी देखूं है, मैं अपनी चोरी देखूं? भाई साहब अगर आए हो तो बता दो, हम तो वैसे ही परेशान है। हाँ आया इधर को गया, चली जा, तू भी चली जा। ठीक है भाई जी, हाँ चला जा, ओ भाई इन भैंसों को बाहर को निकाल ले। ओ ये कहाँ खेत में बांट दी तूने? मुझे तो कोई सच में ही ना पहचान रहा, सारे शेख चिल्ली समझ रहे, मजा आ गया। उस दिन तो उसकी बीवी मरने कटने को तैयार हो गई, मैंने छोड़ दिया। अब की बार मुझे कहीं मिल गया ना हरामजादा, सबसे पहले उसके मुंह को कूटूंगी, धर के नाश पीटे के। हाँ भाभी वो कुटने ही लायक है। कर लिए अपने दिल की भी पूरी कर लिए। भाभी वो शेख चिल्ली कहाँ है? इधर को जाओ, इधर को। एक काम करो, यहाँ को लुक लो सारे। हाँ। और इसे तू पीछे दे। आते ही ना ये कपड़ा उसके मुंह पे डाल दूंगी, खूब जी भर के कूटेंगे हराम जाने को। पकड़ लो, पकड़ लो इसे, ये ले 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 हराम जाते ले, तूने हमारी नाक में दम कर रखा है, ये ले और ले ले, मारो मारो इसे, छोड़ ना मत आज इसे, आज इसकी जान निकाल दो, ये ले ले चप्पल ले, चप्पल ले हराम जाते ले और ले ले। अरे अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ? देख लो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा लौंडा चोर है, अपनी आंखों से देख लो। ये यकीन नहीं मानने वाले, हम तो पुलिस में जाएंगे। हराम का माल है हमारा। चुप, पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं समेटता हूँ इसे। ठीक है हराम खोर, तेरा मुंह फोड़ दूँगा, हराम दादा तेरा मुंह फोड़, जान से मार दो, जान से मार दो, मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे इन दो सब क्यों पिटवा रहे हो उसे ज्यादा? देख लो पूरा ड्रामेबाज है, आवाज भी औरतों की तरह निकाल लिया कमबख्त।
वैसे तो पूरा ढोंगी बाज है। मैं तेरा मुंह कुचलूंगा, मुंह कुचलूंगा साला, मुंह कुचलूंगा तेरा, बिल्कुल फोड़ दो रख के। मैं जान से मार दूंगा। पास नहीं आ रहा, पास नहीं आ रहा। आसान है, मेरी फुफा को क्यों मार रहा? शेक चिल्ली, शेकू, शेकू बचा ले, शेकू, शेकू बचा ले मुझे। अबू, अबू, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई मेरे फूफा को मारते हुए? तेरी बहन लगा, शर्म आ जा कुछ, शर्म आ जा, क्या कहेगी जाके फूफा से, क्या कहेगी जाके? शेकू, इससे बड़े मिल के मुझे बहुत, और भाई जान ले तो मेरी दूधड़ी तोड़ दे। देख ले मेरी भाई जान नवा रखी है इसके। लिहाज तो बिल्कुल भी नहीं होगी बाजी को मारते हुए। और तुम पे अपनी दुकान तो संभलती है ना, सारे दिन बैठी बैठी सोए जाओ दुकान में ही। बैठी सोती रहे, कोई भी चोरी करके ले जाओ। मैं मैंने अच्छा किया साला, तुम्हें बुरा लगता है? क्या अच्छा किया? अबे बदतमीजो, मैं तुम्हारे पैसे चुराए हारून के लौंडे ने, मैं तो चोरी करके चल दिया था, मैंने वो वापस रखने के चक्कर में तुमने मुझे चोर बना दिया बदतमीजो ने। ये तो तुमने वो काम कर दिया कि नेकी का और जूते खा। अबे मेरे लौंडे तुम्हारे पैसे बचाए तो हैं। और अब्बू, उस दिन नजीर के लौंडे ने सर फोड़ा और नाम मेरे लगा दिया सालों ने। खाला, अगर ऐसी बात है तो फूफो हमें माफ कर दो। गलती तो तुम्हारी माफ की, तुमने मेरी फूफो का मार मार के भरता बना दिया। अब क्या मैं जाऊँ थाने? फूफो तो हमारी भी है बाजी, माफ कर दो, हम तो इन्हें अपना ही माने। शेख चिल्ली, मारना गलती होगी। बोलो बोलो अब्बू, अम्मी बोलो ना, बोलो फूफो, बोलो शेख जी। अब मैं रोजाना एक बात सुन ले, फूफो से पूछ ले, वरना हमें तो कोई परहेज नहीं है। अरे जब तेरी कोई गलती नहीं है तो माफ कर दे इन्हें। यार मेरी बहन ही नहीं मानी, शेख चिल्ली बन के मानी। अबू हाँ, अगर मेरे दो शेखू होते हाँ, तो क्या वो ऐसे ही होते हैं? क्यों, हम कौन से बुरे? हम कौन से बुरे? शादी की शिकल बिगाड़ दूंगा, हम बुरे हैं? तो दुनिया ये कहती कि जमीला के दो दो शेखू, तो अब हम शेख चिल्ली फिर मिलेंगे। बोला भाई।